अल्लाह रहमान रहीम। 22 अप्रैल को अटलांटिक काउंसिल के इजलास में मुफ्ता इस्माइल ने इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, मैं बताना चाहूँगा कि ये अटलांटिक काउंसिल बुनियादी तौर पे अमेरिकन CIA की एक ऑफशूट है, एक ऐसी NGO है जो उनको रिप्रेजेंट करती है और उनका एक थिंक टैंक है जिसके डायरेक्टर्स में से हेनरी कैसिंजर भी हैं, जिसके डायरेक्टर में से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ भी हैं। वहां पर जो इल्ज़ाम लगाया, मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल फ़ख्र है, काबिल स्ताइश है, निशान इम्तियाज़ है, तमगा इम्तियाज़ है इमरान खान साहब के लिए। और अल्लाह की कुदरत देखें कि जो पूरी ज़िंदगी इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे, उस यहूदी एजेंट ने अपने आप को एक सच्चा और सुच्चा मुसलमान के तौर पर साबित किया, इस्लामोफोबिया के खिलाफ, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को इंटरनेशनल इस्लामिक लीडर के तौर पर मनवाया, नाम भी कमाया और काम भी कमाया। दूसरी तरफ जो इल्ज़ाम लगाते रहे, आज अल्लाह पाक उनको बेनकाब कर रहा है। वो यहूदों नसारा में बैठ के साबित कर रहे हैं अपने आप को कि हम सच्चे और सुच्चे मुसलमान नहीं, हम आपके सच्चे और सुच्चे ताबेदार हैं, हमारी सरपरस्ती करें और हमारे ऊपर हाथ रखें। ये अल्लाह की कुदरत है, मैं इसको खराज तहसीन पेश करूंगा। कीप इट अप मुफ्ता इस्माइल, आप इस किस्म की बोंगियाँ चवलें और दो नंबरियाँ करते रहें ताकि आप बेनकाब हों और आपका अंदर बाहर आए और इमरान खान साहब की इज्जत और वकार में मजीद इजाफा हो। बहुत शुक्रिया।